हेलो व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, नष्ट वितरण नियम से संदर्भ में एक लेक्चर इससे पहले यूट्यूब पर प्रसारित हो चुका है, जैसे कि आप फेज रूल प्लेलिस्ट के अंदर आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो लेक्चर में हमने ये जानकारी दी थी कि नष्ट का वितरण का नियम क्या होता है और नष्ट के वितरण नियम का जो डेरिवेशन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। उस वीडियो लिंक को यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन टैब में शेयर किए हुए हूँ, तो आप उसे यहाँ से क्लिक करके भी उसे आप देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन में चैनल प्लेलिस्ट जो है फैजरुल, उसका लिंक शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ भी उसे जाकर के फैजरुल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सबको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी आप पूरा शुरू से अंत तक निश्चित रूप से देखिए। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नष्ट वितरण का जो नियम है वो असामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन दी एबनॉर्मल कंडीशन। क्योंकि नष्ट के वितरण के नियम के लिए जो एक कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन क्या है कि जो विलय और विलय की जो आण्विक अवस्थाएं हैं वो क्या है, आण्विक अवस्थाएं दोनों ही फेजेज में, दोनों ही जो लेयर्स हैं उनमें क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। परंतु जब भी कभी इनमें किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन होता है तो उस परिस्थिति में जो नष्ट का वितरण का नियम है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में यहाँ पर हम आगे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन एबनॉर्मल कंडीशन, कौन कौन सी असामान्य ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के बारे में, जो कि एसोसिएशन से रिलेटेड है, यानी कि जब कोई एक्स कोई सोल्यूट है हमारा और उसके एन अणु आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, और संगुणित होकर के इस प्रकार का एक बृहद अणु का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात यहां पर क्या होगा, एसोसिएशन, देयर इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट, यानी कि एक बैग के अंदर जो विलेय है हमारा उसका क्या हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा। उस परिस्थिति की यहां पर हम क्या करेंगे, विवेचना करेंगे आज। तो हम मान के चलते हैं कि दो विलायक है हमारे, वन एंड टू, जो यहां पर मेंशन है वन एंड टू, देयर इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट टू, यानी कि जो सॉल्वेंट दो है वहां पर जो हमारा सॉल्यूट है उसका क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। इफ फॉर्मूला फॉर सॉल्यूट इज एक्स, यानी कि जो एक्स है उसका जो फॉर्मूला यदि एक्स है और इट्स कंसेंट्रेशन इन सॉल्वेंट वन, सॉल्वेंट वन के अंदर जो उसकी कंसेंट्रेशन है वो सी वन से दी हुई है, तो जो कंसेंट्रेशन नॉर्मल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट सेकंड इज सी थ्री, सॉरी सी थ्री, सी थ्री क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूल की क्या है, कंसेंट्रेशन है, क्योंकि समान आण्विक अवस्थाएं है ना, ये सी वन और सी टू, ये तो हमारा क्या है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इज सी टू। ये परिस्थितियां हैं कि जब एसोसिएशन होता है तो क्या क्या चीजें संभव है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम के अनुसार देयर इज इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था किस किसके मध्य होती है, बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन ऑफ सेम स्टेट इन बोथ द सॉल्वेंट, अर्थात समान आण्विक अवस्थाओं वाले जो अवयव हैं उनके मध्य ही क्या है, साम्यावस्था स्थिति आती है। तो हम यहां देख सकते हैं कि C1 और C3 के मध्य क्या होगी, वितरण के नियम के अनुसार साम्यावस्था होगी, तो इसलिए C1 डिवाइडेड बाय C3 बराबर K1, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर वन। एज पर इक्विलिब्रियम फॉर द एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, यदि हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल के एसोसिएशन का इक्विलिब्रियम को नियम देखें तो उस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है कि x के n मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक xn बनाते हैं, जहां पर उसकी कंसेंट्रेशन C3 से क्या हो जाती है, कंसेंट्रेशन C2 यदि है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमने दिया है यहां पर K2 बराबर C2 डिवाइडेड बाय C3 रेस्ट टू द पावर n, क्योंकि n उसके मॉलिक्यूल यहां पर भाग ले रहे हैं। तो उस परिस्थिति में K2 C2 डिवाइडेड बाय C3 रेस्ट टू द पावर n है, या हमने इसको C2 को इधर की तरफ कर दिया, C2 by C3 होल n raised to the power n बराबर K2। यदि यहां से जो फैक्टर n एक्सपोनेंशियल है उसको हटा दिया जाए
तो ये रूट में कन्वर्ट हो गया, एन रूट सी टू डिवाइड बाई सी थ्री बराबर एन रूट के टू बराबर, इस पूरे को हटा करके हमने एक स्थिरांक के थ्री बना दिया। तो उस परिस्थिति में जो सी थ्री है वो कन्वर्ट क्या हो गया, एन रूट सी टू डिवाइडेड बाय के थ्री। ये इक्वेशन नंबर हमारी दो बन गई। इस सी थ्री की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर दो से हम इक्वेशन नंबर वन जो कि हमारी सी वन बाय सी थ्री बराबर के जो थी वहां पर हम रख देंगे, यानी कि सी वन बाय सी थ्री बराबर जो के वन इक्वेशन थी वहां पर हमने ये सी थ्री की जगह पर इस वैल्यू को रख दिया। तो एन रूट सी टू डिवाइडेड बाय के थ्री है वो के थ्री ऊपर चला जाएगा, तो सी वन डिवाइडेड बाय एन रूट सी टू बराबर के वन, और के थ्री को नीचे की तरफ ले लिया बराबर के। तो यहां हम देख सकते हैं कि सी वन बराबर एन रूट सी टू बराबर के वन बाय के थ्री बराबर के। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट निकल गया। यहाँ पर इस प्रकार से जब संगुणन की परिस्थिति होती है तो हम इस आधार पर वितरण नियम की व्याख्या क्या कर सकते हैं। ये यहां पर नंबर तीन इक्वेशन, यदि आपको यहां पर सी वन और सी टू को सेपरेट आउट यदि करना है तो सी वन बराबर एन रूट सी टू मल्टीप्लाइड के, या सी टू रेस्ट टू द पावर वन बाय एन मल्टीप्लाइड बाय के। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन है जिसे हम यदि लॉग में कन्वर्ट कर दें तो हम देख सकते हैं कि लॉग सी वन बराबर वन बाय एन लॉग सी टू प्लस लॉग के। क्या है, लॉग सी वन बराबर वन बाय एन लॉग सी टू प्लस लॉग के। अब यदि आप यहाँ पर लॉग सी वन और लॉग सी टू के मध्य कर्व खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी विद द इंटरसेप्ट, और जो इंटरसेप्ट होगा हमारा वो लॉग के बराबर होगा, और जिसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, वन बाय एन होगा। अब स्लोप पॉजिटिव है तो जो लाइन होगी वो ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में होगी, जैसे कि हम यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं ये। सो इफ यू प्लॉट ए कर्व बिटवीन लॉग सी वन वर्सेज लॉग सी टू इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी विद द स्लोप ऑफ वन बाय एन एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ लॉग के। क्लियर, ये यहाँ पर जो प्लॉट है उसको ड्रॉ किया है। इधर की तरफ आपका ये लॉग सी वन है, इधर की तरफ ये लॉग सी टू है, लॉग सी वन लॉग सी टू, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी और स्लोप पॉजिटिव इसलिए बढ़ते हुए क्रम में आएगी विद द इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसके बराबर है, लॉग के बराबर है, जिसका कि जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर, वन बाय एन के बराबर है। स्लोप किसके बराबर है, वन बाय एन के बराबर है। तो यहाँ पर हम आसानी से, हालांकि हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो यही खत्म हो गया कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट को थ्योरेटिकल किस प्रकार से निकाला, वो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथम की इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, जहाँ से कि हम आसानी से ग्राफिकली हम लॉग के डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट को और स्लोप जो है यानी कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ स्लोप, इस स्लोप की सहायता से वी मे इजीली इवेल्युएट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के कितने अणु क्या एसोसिएशन में संगुणन में भाग ले रहे हैं उसकी गणना कर सकते हैं, और पार्टीशन जो कॉस्ट कोफिशियंट है वितरण गुणांक के उसको हम इंटरसेप्ट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक असामान्य परिस्थिति जबकि अणुओं का संगुणन होता है उसके संदर्भ में वितरण का नियम किस प्रकार से कार्य करता है उसकी व्याख्या यहाँ पर हमने देखी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो, डिसोसिएशन हो, वियोजन। यहां पर अगेन वापिस आप देख सकते हैं कि पहली फेज ये, दूसरी फेज ये, दोनों विलायक वन एंड टू। विलायक वन के अंदर एक्स जो हमारा सब्सटेंस है उसकी कंसेंट्रेशन को हमने सी वन से व्यक्त किया है। सेकंड सॉल्वेंट के अंदर जो एक्स है वो डिसोसिएटेड होकर के ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो उसकी जो कंसेंट्रेशन सी टू थी वो उसमें से एल्फा डिसोसिएट हो जाता है, तो ए और बी की कंसेंट्रेशन सी टू एल्फा और सी टू एल्फा होगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्या, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट, यानी कि किसी एक विलायक में क्या होगा वो उसका वियोजन होगा, किसका, सॉल्यूट का। आइए ये जो लिखा है यहाँ पर वो समय यहाँ डिस्कस किए भी कर चुका हूँ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट्स हमारे वन एंड टू है, देयर इज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट टू, दो में डिसोसिएट होता है।
एक्स उसका मॉलिकुलर स्टेट है, उसकी वन के अंदर कंसेंट्रेशन C1 है, और एक्स डिसोसिएट होकर ए और बी बनाता है, और ये अल्फा यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो जो टोटल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ये टोटल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन C2 से व्यक्त की हुई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा वितरण का नियम है वो किन पर प्रभावी है, समान आण्विक अवस्थाओं पर। द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, देयर इज इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था किनके मध्य होगी, बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन ऑफ सेम स्टेट, कंसेंट्रेशन ऑफ सेम स्टेट इन बोथ द सॉल्वेंट, यानी कि दोनों विलायकों में विलेय पदार्थ के समान अवस्थाओं के मध्य क्या होगा, साम्य होगा। तो उस आधार पर हम यह देख सकते हैं कि C1 और ये बची हुई सांद्रता, क्योंकि इसमें से कुछ का वियोजन हो चुका है, तो C2 वन माइनस एल्फा बराबर KD, तो ये हमारा वितरण गुणांक इस आधार पर हम देख चुके हैं। परंतु यदि ऐसा भी हो कि ये इक्वेशन माना, यदि सॉलिड जो है हमारा वो दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर यदि डिसोसिएट हो, यानी कि यहां भी डिसोसिएशन यदि हो जाए, और उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि अल्फा वन और अल्फा टू हो, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, C1 वन माइनस एल्फा वन डिवाइडेड बाय C2 वन माइनस एल्फा टू बराबर KD। तो इस प्रकार से ऐसी असामान्य परिस्थिति जहां की वियोजन यदि हो रहा है, तो उसकी भी हम यहां पर व्याख्या की जा चुकी है। तीसरी परिस्थिति क्या है कि जब विलायक संकरण हो, अर्थात हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या करे, विलायक के N अणुओं के साथ मिलकर के क्या करे, संकरित हो जाए, यानी कि विलायक के साथ बंध जाए, उस परिस्थिति को हम कहते हैं विलायक संकरण, यानी कि सॉल्वेशन, सॉल्वेंट हाइड्रेटेड स्थिति। अगेन यहां पर परिस्थिति वही है कि ये नंबर वन सॉल्वेंट है, ये नंबर टू हमारा सॉल्वेंट है, जहां पर जो एक्स सब्सटेंट है उसकी मॉलिकुलर स्टेट को कंसेंट्रेशन C1 से डिनोट किया है। अगेन यहां पर C2 हमारा जो इसकी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन है वो C2 है, यदि उसमें से कुछ अल्फा जो कि डिग्री ऑफ सॉल्वेशन है वो यदि इसके साथ सॉल्वेटेड हो जाती है, तो उस समय सॉल्वेटेड जो सॉल्वेंट है उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई है, C2 हो गई है। सो थर्ड कंडीशन इज द सॉल्वेशन ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट। लेट एक्स इज द मॉलिकुलर स्टेट और सॉल्यूट इन सॉल्वेंट वन, क्लियर क्लियर, एंड इट्स कंसेंट्रेशन इज C1, कंसेंट्रेशन C1, ओके। नाउ द सॉल्यूट कंबाइन विद द एन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट है वो एन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है इन सेकंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, एंड इट्स टोटल कंसेंट्रेशन इज C2। नाउ इफ अल्फा मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट कंबाइन विद द सॉल्वेंट, देन व्हाट हैपन, तो एट सॉल्वेशन इक्विलिब्रियम, तो विलायक संकरण के साम्यावस्था पर जो एक्स हमारा सॉल्यूट था उसने सॉल्वेंट के एन मॉलिक्यूल के साथ में विलायकीकृत किया, ये एक्स एन एस C2 वन माइनस एल्फा, क्योंकि एल्फा इसके जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। नाउ ऑफ दी सॉलिटेड सॉल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो C2 एल्फा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, के बराबर C2 एल्फा, यानी कि जी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट, तो फर्स्ट रिएक्टेंट इज C2 वन माइनस एल्फा एंड द सेकंड वन इज S रेस टू द पावर N। नाउ सिंस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है हमारा विलायक इज वेरी हाई, या यूं कहो कि ये विलायक इतनी अधिक मात्रा में है कि इसकी सांद्रता में यदि थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो वह अप्रभावी है, तो यहां पर इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशियंट के है वो क्या बन जाएगा, C2 एल्फा डिवाइडेड बाय C2 वन माइनस एल्फा, C2 वन माइनस एल्फा बराबर KS, मल्टीप्लाइड कर दिया उधर उसको, अदरवाइज इसे यहां पर हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बिकम्स कॉन्स्टेंट। ये नंबर वन इक्वेशन। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट के कंटिन्यूशन में, नाउ द अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेम मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सॉल्यूट आर इन इक्विलिब्रियम, लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का जो नियम है वो क्या कहता है कि सॉल्यूट की समान आणविक स्थितियों के मध्य साम्य होगा। तो जो C1 हमारी पहले विलायक के अंदर सांद्रता है और C2 वन माइनस एल्फा जो उसकी बची हुई सांद्रता है, क्योंकि एल्फा निकलने के बाद तो वो सॉल्वेटेड हो चुका, तो ये बची हुई सांद्रता है, उसके मध्य क्या है, ये इनके मध्य साम्य रहेगा, तो वितरण का नियम इन पर प्रभावी होगा।
नाउ द डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, तो हमने सी वन बाय सी टू वन माइनस एल्फा मल्टीप्लाइड बाय ये, इस इक्वेशन को आप एक बार वापस से देख लीजिए, ये इक्वेशन, ये सी टू एल्फा सी टू वन माइनस एल्फा सी टू एल्फा डिवाइडेड बाय सी टू वन माइनस एल्फा, इसे ध्यान रखना है, और यहां पर आपका सी वन एल्फा डिवाइडेड बाय सी टू वन माइनस एल्फा, क्लियर। ये हमने आपको यहां पर दोनों को डिवाइड करना है, तो सी वन बाय सी टू वन माइनस एल्फा मल्टीप्लाइड बाय, जब उसे डिवाइड करेंगे तो सी टू एल्फा तो नीचे रह जाएगा और सी टू वन माइनस एल्फा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास में क्या रह गया, सी वन डिवाइडेड बाय सी टू एल्फा, सी वन डिवाइडेड बाय सी टू एल्फा बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये यहां से हम इस प्रकार भी वितरण के नियम का क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इन द गिवन ऑल थ्री एबनॉर्मल कंडीशंस, जो तीनों असामान्य परिस्थितियां हैं, जो बेसिक नेचर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, वो सेम ही है, यानी कि वही समान आणविक अवस्थाओं के मध्य अल्टीमेटली क्या है, एक स्थिरांक प्राप्त होता है, तो वितरण का नियम हमें वही ले जाता है। हाउएवर द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट्स में अल्टर, यानी कि जो वितरण के नियम के अनुसार जो वितरण गुणांक है उसका जो मान है वो जरूर क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। सो थैंक यू। इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वितरण के नियम के संदर्भ में उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि वितरण के नियम का जो सामान्य अनुप्रयोग है वो क्या हो सकते हैं। सो एंड स्क्रीन में जो लिंक शेयर किया हुआ है प्लेलिस्ट का, प्लीज उसे देखिए और उसका निश्चित रूप से लाभ भी उठाइए, और